एक में दिया हुआ है आपका कितना पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, और एक में दिया हुआ है थ्री पाई बॉन्ड। क्लियर? तो पाई बॉन्ड आप देखिए, पाई बॉन्ड यहां पे आपके पाई बॉन्ड जो है 1, 2, 3 तीन पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इट मींस आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। जो क्वेश्चन का पैटर्न यहां पर ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहां पर थर्ड ऑप्शन जो है क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। क्योंकि चौथे में क्या दिया हुआ आपका, टू आपके क्या है पाई बॉन्ड दिए हुए हैं, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन हम देख लेते हैं कि क्या सिग्मा बॉन्ड 11 आर है या नहीं आ रहा। देखिए अब इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड में बता दूं आपको कितने हैं। पहले तो आप देखिए जो रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग जो फॉर्म हुई है, वो कितने सिग्मा बॉन्ड लिए हुए हैं वो देखिए। यहां से अगर हम काउंट करें नाइट्रोजन के यहां से, तो ये जो बेसिक स्केलेटन बना हुआ है वो है नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक और बार, ये हो गया 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं किसके, रिंग के। ओके, 6 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया आपके रिंग के। अब आप देखिए जो कार्बन के साथ में नाइट्रोजन है, देखिए कार्बन नाइट्रोजन नो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन वाले जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सभी ये भी सिग्मा बॉन्ड।